अनु बेटा जल्दी करो, लेट हो जाओगी। मैंने टिफिन बना लिया। टिफिन हो गया, बैग हो गया, अरे हाँ बॉटल तो भूल ही गई। यार ये स्कूल क्यों होता है? अरे मेरे पैर दर्द हो रहा है, आधा घंटा हो गया से बैठे हुए। अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं मुर्गा बन रही हूँ, दुखी खड़ी हुई मानसी। अनु तुम सीरियस हो जाओ, अभी स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छे से रहो, अच्छे से मुर्गा बने रहो। अरे मैं सोचती हूँ काफी टाइम है। अरे टाइम ऐसे बीत जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यस मिस, वो हम कर लेंगे, तभी हम चलते हैं। अरे मैम थैंक यू मिस फॉर द वंडरफुल क्लास, वेलकम डियर। तुम दोनों को आयु से सीखना चाहिए। पता है उसने एक स्पीच दी थी टेड टॉक्स में, और उसने एक स्टोरी लिखा था जो अमेज़न किंडल में पब्लिश भी हो गया। और मैं तो ये भी सुना है कि तुमने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है। यस मिस, मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 2000 सब्सक्राइबर्स है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। हाँ डेफिनेटली। अरे मिस आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं क्या हर कोई बच्चा ऐसा बन सकता है। अरे ये कैसे, मुझे भी सीखना है, मैं भी मुर्गा बन के तंग आ चुकी हूँ। मुझे भी टेड टॉक्स में आना है, कितना मजा आएगा। हाँ बताती हूँ, मेरा सीक्रेट है मास्टरी के क्लासेस। है मास्टरी की क्लासेस, उससे क्या होता है? अरे तू पूछ उससे क्या नहीं होता, इसके वजह से मेरे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो गए। हाँ? और अब मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, और इसलिए मैं टेड टॉक्स में सिलेक्ट भी हो गई। अच्छा तो उसे ग्रामर सीखने में भी मदद होती है? तब तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स टॉप कर देंगे। इससे मेरी वोकैबुलरी और ग्रामर इम्प्रूव हो गया, जिससे मैंने एक अच्छी सी स्टोरी लिखी जो अमेज़न किंडल में पब्लिश हो गई। और हाँ तुमने तो टॉप भी किया था ना। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतने सारे बच्चे होंगे मास्टरी क्लासेस में, तो टीचर सब पे कैसे ध्यान दे पाती हैं? नहीं ऐसा नहीं है, हर चार बच्चे के लिए एक टीचर होती है। अरे वाह, तब तो मैं भी इससे सीख पाऊंगी। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ये मास्टरी क्लासेस की मदद से तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म जैसे टेड टॉक्स में जाओगी, तब तो तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो गाइस हमने मास्टरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप भी फ्री ट्रायल क्लासेस के बाद 10% डिस्काउंट अप्लाई करना मत भूलना। तो मैं आज की आज ही एनरोल कर रही हूँ। मैं भी आज ही एनरोल करूँगी। लेकिन तुम दोनों अपना होमवर्क करना मत भूलना, वरना सीधा 2 लेक्चर्स के लिए मुर्गा बना दूंगी। Oh, no. नहीं नहीं नहीं, चल चल चलते हैं। अरे आज तुम्हें आयु का होमवर्क था। Oh, no. मुझे मुर्गा वापस नहीं बनना। मुर्गा बन बन के तो मैं असल में ही मुर्गा बन जाऊंगी। क्या करूं, मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मा को बोलूंगी तो उल्टा मुझे ही डांट के भेज देंगे। क्या करूं क्या करूं। हाँ ये एकदम सही है, यही करते हैं। माँ क्या हो गया? बहुत जोरों का तबीयत खराब हो गया है। हाँ? नहीं ये तो बिल्कुल ठंडा है, बुखार तो है नहीं। अंदर से बुखार है, आवाज से पता चल रहा है ना। हाँ? ये अंदर से बुखार क्या होता है? अच्छा रुको मैं थर्मामीटर लेके आई। तो रखा था, कहाँ चला गया? चार जैसा हो रहा। मम्मी। हाँ आई बेटा। अरे अनु थर्मामीटर तो मिल ही नहीं। हाँ कहाँ मिला ये, मैं तो उधर खोज डाली, मिला ही नहीं मुझे। वो वहाँ ड्रॉर में था। अच्छा आया क्या, बुखार है? अरे हाँ इसमें तो बुखार दिखा रहा है। मम्मा आज मैं स्कूल ना जा, चलेगा? कोई बात नहीं, आज मत जाओ स्कूल, तुम आराम करो ठीक है? ओके।
मम्मा ठंडी लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं ओढ़ने के लिए भी लेके आती हूँ। ओके यस। अनु अनु, अरे अनु उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मा बहुत ज्यादा तेज सर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा सर पकड़ लिया है। अरे आज भी सर दर्द हो रहा है? मम्मा जैसे यस्टरडे ना अंदर से सर्दी हुई थी ना, वैसे ही आज अंदर से सर दर्द भी हो रहा है। क्या अंदर से सर दर्द हो रहा है? अरे उसमें दिमाग दर्द होता है, इसके लिए सर भी दर्द होता है अंदर से। अच्छा ठीक है, सो जाओ फिर, आज भी स्कूल नहीं जाना, सो जाओ। ओके मम्मी बाय। यस। मम्मा तो जल्दी उठ गई, मतलब नौटंकी पहले ही चल के निकलेगी। जल्दी उठ गई। मैं भी अभी उठ ही रही थी, टिफिन बनाने के लिए जा रही थी। मम्मा सोई कहाँ पाई इस पैर दर्द की वजह से? पैर दर्द? ऐसा कैसे पैर दर्द हो रहा है? तो अगर नीचे जाते हैं ना तो माइंड रिफ्रेश होता है। मेरा हेडेक तो चला गया लेकिन आ गया लेगे। तो क्यों गई नीचे खेलने? तुम्हारा तो कल सर दर्द था ना, लेकिन पैर दर्द से क्या लेना देना, तुमको तो पढ़ाई करना है बैठ के ना। मम्मा क्या होता है ना, हम लोग स्कूल चल के जाते हैं, सीढ़ी भी चढ़ना पड़ता है, अब अगर उसने पैर दर्द के चक्कर में गिर गई तो? हाँ? तो फिर तो फिर कल स्कूल चले जाए मम्मा। तो फिर आज भी स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं। चलो जाओ फिर, आराम करो, मैं भी सो जाती हूँ। ओके मम्मी थैंक यू। अच्छा बच्चों क्लास खत्म, अब सुनो कल मैं तुम्हारी मैथ्स इंग्लिश और केमिस्ट्री की बुक चेक करने वाली हूँ, तो अपनी बुक कंप्लीट करके लाना। ओके मिस। और मानसी, ये अनु 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, वो तुम्हारी बिल्डिंग में रहती है ना? हाँ। तो उसे पूछ लेना और उसे होमवर्क के बारे में बता देना। हाँ ओके मिस। चलो अभी क्लास खत्म, गो फॉर योर ब्रेक। अनुष्का, अरे अनु तू यार फुटबॉल खेल रही है, मुझे लगा तू ठीक नहीं है इसलिए स्कूल नहीं आ रही। तो तुझे तो अभी स्कूल में होना चाहिए। मैं स्कूल से ही आ रही हूँ अभी। तो बेटा बता तू कितने बार मुर्गा बनी, मैं तो बच गई 3 दिन छुट्टी करके। नहीं नहीं मैंने तो आज पूरा होमवर्क कर लिया था। तू कब से गुड गर्ल बन गई बेटा? वो ऐसे ही, और देखो पता है कल 3 नोटबुक से चेकिंग है। 3 नोटबुक से चेकिंग? मैं कल नहीं आ रही, मैं कुछ बहाना बना दूंगी लेकिन कल स्कूल नहीं आऊंगी। 3 नोटबुक की चेकिंग मतलब 3 बार मुर्गा बनना पड़ेगा? ना ना भाई ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मैं चलती हूँ, और हाँ कल आना, 3 नोटबुक कंप्लीट करके आना। आने दोबारी नहीं, अब कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। सिर दर्द का हो गया, तबीयत खराब का हो गया, अब या तो पैर दर्द का रख लूँगी, पेट दर्द का रख लूँगी, काफ़ी सारे बहाने, अब देखते हैं क्या करना है। हेलो मानसी। हाँ हेलो आंटी। बेटा कल तुम स्कूल गई थी क्या? हाँ मैं स्कूल गई थी। अच्छा, अनु 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, तो कुछ कल स्कूल में इम्पोर्टेंट होमवर्क मिला है क्या? मैं करवा देती उसको। हाँ आंटी, मिस आयुष्का ने 5 सब्जेक्ट में होमवर्क दिया है और बहुत सारा होमवर्क है, हमारी तो हालत ही खराब हो गई है कर करके, और खेलने का भी मौका नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है बेटा। मम्मी, अरे क्या हो गया? मम्मा बहुत चक्कर आ रहा है। ये कैसा चक्कर आ रहा है, तुम तो पेट पकड़ के रखी हो। पेट पकड़ा है मतलब पेट दर्द हो रहा है, इससे चक्कर आ रहा है। ओ, ऐसा है? हाँ मम्मा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा, चक्कर भी आ रहा है, आज तो स्कूल नहीं जा पाऊंगी। अच्छा वैसे भी तुम्हारा आज पी लेक्चर है, तो नहीं जाओगी तो भी चलेगा। आज पी लेक्चर थोड़ी है, आज तो डबल लैंग्वेज लेक्चर है, कोई मिस आयुष्का का? नहीं नहीं अभी तो मैंने देखो चेक किया टाइम टेबल, इसमें पी लेक्चर है। अच्छा ऐसा है क्या? मम्मी मैं क्या बोल रही थी, ये पेट दर्द और
से चक्कर आना तो मतलब नॉर्मल है, आप अपना काढ़ा दोगे तो ठीक ही हो जाएगा। स्कूल मिस करना अच्छा नहीं होता ना, देखो 3 दिन मिस किया है, 4th दिन तो मिस नहीं करना चाहिए, टीचर बुरा मान गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तुम्हारी मर्जी, जो तुमको अच्छा लगे। मैं बैग पैक कर लूँ? हाँ, वैसे भी मैंने अभी टिफिन भी कुछ बनाया नहीं है, तो मैं भी बना लेती हूँ टिफिन। ओके। माँ जी, अरे अनु तो आज यहाँ? अरे आना ही पड़े ना पी लेक्चर, मैं भी लेक्चर मिस ही नहीं कर सकते, आज पी लेक्चर है ना। आज पी नहीं डबल लैंग्वेज है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, आज पी है। मैंने चेक भी किया था टाइम टेबल, मम्मा ने दिखाया था, उसमें तो पी लेक्चर था, लैंग्वेज तो था ही नहीं डबल। अरे कल तेरी मम्मी ने मुझे फोन किया था, उन्हें बस चला गया था कि तो नाटक कर रही है, इसलिए उन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया हूँ। क्या? हाँ मुझे नहीं जाना, मुझे मुर्गा नहीं बनना। अरे कहाँ जा रही है, तो अभी तो चलना होगा। आप तो मुर्गा नहीं बनना यार, बहुत मुर्गा बनाएंगे। मानसी प्रेजेंट। अनुष्का प्रेजेंट मिस। आज अनु खुद क्लास आई है, वाह भाई वाह, पूरी क्लास तालियां बजाओ, आज अनुष्का क्लास में आई है। अच्छा आज क्या बहाना है तुम्हारा? मिस वो क्या है ना। अच्छा आज तुम्हारे मम्मी की, चाची की, दादी की, पापा की शादी है? नहीं मिस, वो मेरी। क्या फिर आज तुम्हारा वो कुत्ता मर गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो फिर क्या रीजन है? नहीं मिस, वो मेरी तबीयत खराब थी। वो सब छोड़ो मानसी, मैं तुम्हें बताया था ना, तुमने होमवर्क बताया अनु को? यस मिस, मैंने तो बताया था। बताया ना, तो फिर होमवर्क दो अनु तुम्हारा। मिस वो जो बुक है ना, हाँ वो जो होमवर्क का बुक था ना, वो मैं घर पे भूल गई थी मिस। ओ इस सारे बुक्स थी ना तो भूल गई घर में, भूल गई। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अनुष्का, तुम कैसे क्वालिफाई होगी स्टूडेंट काउंसिल के लिए? बाकी स्टूडेंट्स को देखो, सबके पास 5, 7 इतने सारे स्टार्स हो गए, तुम तो अभी 0 स्टार्स में अटकी हो। हाँ? स्टार्स? ये क्या है? अब तुम 3 दिन से एब्सेंट हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? हमने एक नई चीज शुरू की है, अगर तुम्हारे पास 5 से ज्यादा स्टार्स रहेंगे तभी तुम क्वालिफाई कर पाओगी स्टूडेंट काउंसिल बनने के लिए। देखो मानसी के पास 7 स्टार्स है, सबसे मैक्सिमम स्टार्स। नहीं मिस, मैं अपना होमवर्क करूंगी, मैं सब बुक्स ला दूंगी पक्का मिस, बस मुझे मेरा स्टार्स दे देना। हाँ अनुष्का, कल से पहले तुम्हारी बुक मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है? तीनों के तीनों नोटबुक। और सोचना भी मत एब्सेंट रहने की, अगर एब्सेंट रही ना कल तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स काटूंगी, सीधा 0 मिलेगा तुम्हें रिपोर्ट कार्ड में। नो मिस, वेलकम। चलो अभी क्लास शुरू करते हैं, सब अपनी टेक्स्ट बुक खोलो। मानसी, ओ मानसी, रुक 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 रुक। वो तेरे 3 सब्जेक्ट वाली नोटबुक है ना, दे देना यार। तो मेरे 3 नोटबुक का क्या करेगी, कल तू अपनी लेके आना। यार नहीं, मुझे क्या है ना, नोट्स कॉपी करना है, क्वेश्चंस कॉपी करना है, और पिछले हफ्ते के भी नोट्स कॉपी करना है, तो तुझे ये सब करने की जरूरत क्या है, तो कल वापस छुट्टी मार लेना। नहीं नहीं भाई, बात आ गई स्टूडेंट काउंसिल की, क्वालिफाई होने के लिए स्टिकर्स चाहिए, अभी मैं लास्ट पोजीशन में हूँ, अगर मैं ना अपना होमवर्क कर लूँ, नोटबुक कंप्लीट कर लूँ और एकदम अच्छा ऐसे लिख दूंगी ना, तो मुझे 7 स्टार मिल जाएगा और मैं एकदम आगे आ जाऊंगी, क्वालिफाई भी हो जाऊंगी। पर तू कल सुबह तक कर पाएगी कंप्लीट? अब करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, स्टूडेंट काउंसिल की बात है, सीरियस होना पड़ेगा, और क्या, रात भर उठे रहना पड़ेगा। ठीक है, ले मेरी नोटबुक्स। अब ये तो मिल गया, एक काम करती हूँ, मैं लॉकर से भी अपनी बुक्स ला देती हूँ तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय। दरवाजा बंद हो जा। आज तो इस सबको करके ही रहना पड़ेगा, चाहे जितने भी होमवर्क्स हो। Equal to half of radius plus 4 is great 4. Hydrogen. History done, math done, physics done, chemistry done, bio done, business studies done, economics done, ICT done, EVM done, all subjects done. पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते का सारा homework done. अब तो सारे स्टार्स मेरे पक्के हैं, अब तो मैं क्वालिफाई होके दिखाऊंगी। oh, yeah. अब नो टेंशन, स्कूल 100% जाना है। अब मैं सो भी सकती हूँ। huh?
ये लो, ये मेरे बुक्स हैं। अरे अनु, तू पूरी क्लास का होमवर्क करके ला दी क्या? नहीं मिस, ये रहा आपने जो यस्टरडे होमवर्क दिया था, ये है वो 3 दिन जो एब्सेंट थी उसका होमवर्क, और ये 3 दिन जो एब्सेंट थी उनके नोट्स। अब मिस मुझे मेरे स्टार्स मिलेंगे ना? देखो अनु, मुझे पता था कि तुम 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी जिसे कि तुम होमवर्क करने से बच जाओ, लेकिन देखा तुमने पूरे 3 दिनों का होमवर्क करने के चक्कर में तुम्हारी हालत कैसी हो गई। और बात रही स्टार्स की, तुम्हें स्टार्स तो मिल जाएंगे, लेकिन एक स्टूडेंट काउंसिल बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ये बात ज़रूर याद रखना अनुष्का। सॉरी मैं सब में समझ चुकी हूँ, मैं हमेशा टालती रहती थी, अपना होमवर्क बहाना बनाती थी, लेकिन एंड पे यही सारे होमवर्क मुझ पर बोझ बन गए। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, अब मैं अपना होमवर्क टाइम पे करूँगी और डिसिप्लिन रहूँगी। सॉरी मिस। तो देखा फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं कि हमें हमारा काम हमेशा समय पे करना चाहिए। और गाइस ये बात ज़रूर याद रखना कि काम टालने से कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है, तो इसलिए अपना होमवर्क हमेशा समय पे करना चाहिए। तो मैं भी आपको होमवर्क देती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और अपना होमवर्क ये वाला करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।